पूर्ण विराम। मैंने जब ये नाम पहली बार सुना कि एंटी टोबैको मिशन के लिए ये नाम ये मेरे युवा भाइयों ने चुना है, मुझे बहुत खुशी हुई। हालांकि देखो, जब मैं बात करने जा रहा था, मुझे पहले ऐसा लगा कि मुझे खुद का इंट्रोडक्शन करके देना चाहिए, लेकिन इस कंसेप्ट के प्रेम में मैं इतना गिर गया कि मैं भूल गया कि मेरा इंट्रोडक्शन भी करके देना। बाय द वे, मैं डॉक्टर हेमंत ओस्तवाल, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर सुयश हॉस्पिटल नासिक। मेरा इंट्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये मिशन इंपॉर्टेंट है। चलिए हम थोड़े इसके डिटेल्स में जाते हैं। मैं सबसे पहले मेरे इन युवा भाइयों को, बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने पूर्ण विराम जैसे कंसेप्ट आगे लाने के लिए भरसक कोशिश कर। क्यों? क्योंकि ये समय की जरूरत है। वैसे तो कई सारी बीमारियां होती है, फिर टोबैको के ऊपर ही क्यों? बिल्कुल सही है, और ये भी सही कि टोबैको के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरत है, पर्टिकुलरली इन यूथ्स, क्योंकि आज हमारे देश के अंदर युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा डेथ किस चीज से हो रही है? तो हो रही है टोबैको, टोबैको एंड टोबैको। वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मौत टोबैको के कारण हो रही है। दोस्तों देखिए, जब किसी युवा की मौत होती है, यह मौत उसकी अकेले की नहीं होती है, यह मौत साथ में कई सारे मौत और होती है, कई सारे। जब भी कोई युवा अपनी जान गंवाता है, उसके साथ में उसके मां बाप के सपनों की भी मौत होती है, उनकी आकांक्षाओं की मौत होती है, उनकी उम्मीदों की मौत होती है, उस घर का चिराग, उस घर का आधार स्तंभ, ये सब सब की सब बातें खत्म हो जाती है। सिर्फ उसी घर का लॉस होता है क्या? नहीं, ये लॉस बहुत अलग अलग लेवल पर होता है। घर वालों का लॉस होता है, समाज का लॉस होता है, इवन नेशनल लॉस होता है। कोई भी एक यंग यूथ जो अपने देश को आगे ले जाने वाला है, जिनके कंधों पर हम हमारा भविष्य हम सिक्योर देखना चाहते हैं, और वही कंधे प्रीमैच्योर डेथ में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इसीलिए मैंने मेरे इन सब भाइयों को धन्यवाद दिया है, देना चाहूंगा कि इस मिशन को पूरे जोर शोर से पूरी ताकत लगा के आगे बढ़ाइए, और मुझे बिल्कुल 100% गारंटी है कि ये मिशन ये मेरे युवा भाइयों का 100% सक्सेस होने जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।